Hello and a very good evening to all of you. I am Kinjal, I am your mentor for English language and welcome to other 24/7 regulatory bodies and SO channel. हम यहाँ पे रोज मिलते हैं एंड दिस इज द इवनिंग वोकैबुलरी सेशन जहाँ पे हम मिलते हैं और अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. इन दिस सेशन वी जस्ट डोंट डू रैंडम वोकैबुलरी वर्ड्स बट वी मेक इट अ पॉइंट कि ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हो जहाँ पे हम रिवाइज करें, नई वोकैबुलरी पढ़ें, सब कुछ करें. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ रिविजन से. This is the first word जो हमने इस week किया था. Yes, so this is the first word और ये था nudge. Nudge को मैंने आपको learn करवाया था कि कोई अगर अपनी nose से push कर रहा है, so that is called as nudging. अच्छा, कल हमने कुछ और ऐसे words किए थे जो मैं आपको revise करवाना चाहूँगी. So this was the first word जो हमने कल किया था. किसी को याद है ये क्या word था? मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिकन और इंडियन की दोस्ती हो जाती है, दिस इज फ्रॉम अ शो कॉल्ड नेवर हैव आई एवर. सो अगर यूएस वाली आंटी और इंडिया वाली आंटी की दोस्ती हो जाए, सो एंटिटी, एंटिटी इज अ फ्रेंडली कनेक्शन बिटवीन टू पीपल. दिस इज द नेक्स्ट थिंग, दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर. स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, इनके में क्या डिफरेंस होगा? इनके में होगा बहुत ज्यादा डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज बेसिकली देयर बिकॉज ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये कहाँ पे रेज्ड हैं? दीज आर रेज्ड इन हब्स, दैट मींस बड़ी सिटी में. तो यूबरिस, रेज्ड इन बिग सिटीज, यानी कि जो एक्सेसिवली कॉन्फिडेंट हो. और ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस एक्चुअली एरोगेंस होता है. कोई भी चीज का बहुत ज्यादा खराबी होता है तो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस भी क्या होता है? एरोगेंस होता है. ठीक है, फिर ये कुछ रूट वर्ड के थ्रू हमने पढ़ने की कोशिश की थी. पायर इज द रूट वर्ड जो हमने पढ़ा था. पायरिक विक्ट्री, यानी एक ऐसी विक्ट्री जहां पे सब कुछ जल जाए. तो कलिंगा का वॉर था जहां पे अशोका ने क्या देखा था? पायरिक विक्ट्री, दैट मीन्स अ विक्ट्री जहां उन्होंने खोया ज्यादा पाया कम. दिस वॉज द नेक्स्ट थिंग. हियर एज आई कैन टेल यू देयर इज दिस पर्सन इज अनस्कैथर्ड. अनस्कैथर्ड यानी कोई स्कार इस पर्सन को नहीं आया बिकॉज इसने सो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जहां पे आपको खरोच भी ना आए, दैट इज कॉल्ड एज अनस्कैथर्ड. ये हमारा लास्ट वर्ड था आई गेस ऑफ द डे. दिस वॉज द लास्ट वर्ड फॉर द डे. ये जो कॉमेडी करते हैं कपिल शर्मा वाले, दिस इज वेरी नॉन सेंसिकल कॉमेडी. यस, इट इज फनी, इट इज वेरी फनी बट मेजरली नॉन सेंसिकल. तो नॉन सेंसिकल कॉमेडी जैसे कपिल शर्मा में होती है, सो इट इज विम्सिकल. विम्सिकल यानी मिस्टीरियस, कभी भी कुछ भी हो जाए इन अ फनी एंड गुड एंड नेचुरल वे, दैट इज कॉल्ड एज विम्सिकल. अच्छा चलो, अब हम आज के पीडीएफ की तरफ जाते हैं. अब हम आज का अपना एडिटोरियल खोलते हैं. सो टुडे इज 14th of March और आज मैंने कुछ कुछ कमेंट्स हाईलाइट किए हैं जो मैं सेशन के एंड में आपको दिखाऊंगी. सेशन के एंड में मैं दिखाऊंगी. उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक गोल्ड टेस्ट पैक है अभी जो लाइव है इन अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज. इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी कि ये गोल्ड टेस्ट पैक क्या है और कैसे आएगा. दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर डूइंग टुडे. ये आज का पहला वर्ड है जो हम कर रहे हैं. दिस इज द वर्ड बोगस. बोगस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लिसन टू दिस वर्ड बोगस? बोगस का मीनिंग क्या है? बोगस का मीनिंग है समथिंग दैट कॉजेज फियर. कोई ऐसी चीज जो फियर लगाए, जो उसमें क्या हो, फ्रॉडलेंट की हो या फिर कोई रीजन ना हो, दैट इज कॉल्ड एज बोगस. तो उसी में हम बोगी, हम वैसे ही लर्न करेंगे. बोगी इज जहां से आपको फेक, यस बोगस यानी फेक. तो बोगी यानी फेक, लोगों से डर लगता है ना, फेक चीजों से भी डर लगता है ना. सो दैट इज फेक. बोगी इज फेक से डर लगने वाला जो है दैट. Then there is an old bogey, Texas. अच्छा मुझे बताओ ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये अंकल सॉरी क्यों बोल रहे हैं? Is there any reason ये अंकल सॉरी बोल रहे हैं?
Do you think there is a reason कि ये अंकल सॉरी कह रहे हैं? देखो उनके उनके चेहरे से what I can see is that he is sorry because he might have done something wrong. उनसे गलती से कुछ हो गया है, he is sorry. है ना, उनसे गलती से शायद वास टूट गया या पानी गिर गया, ऐसा कुछ हुआ एंड ही इज सॉरी. सो कर सॉरी, कर सॉरी इज कि अब क्या होगा, इट वॉज डन इन अ हरी. आपने जल्दबाजी में कोई काम किया और उसके ऊपर पानी फेर दिया और अब आप क्या कर रहे हो, सॉरी कर रहे हो. सो ही इज डूइंग सॉरी नाउ, सो इट इज कर सॉरी. तो अब सॉरी बोलने का क्या मतलब, क्योंकि आपने जो काम किया ये बहुत जल्दबाजी में किया और ये अच्छे से नहीं हुआ. कर सरी, कर सॉरी. द सिनोनिमस वर्ड फॉर द सेम इज ब्रीफ, पासिंग, रैपिड और हेस्ट, जल्दी जल्दी. ही गेव द पिक्चर अ कर्सरी ग्लांस, इवन अ कर्सरी ग्लांस एट सच अ अप्रोच वुड सजेस्ट दैट इट इज डूम्ड टू फेलियर. अगर एक कर्सरी ग्लांस भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा दैट इट इज डूम्ड टू फेलियर. इम्पॉसिबल टू प्लीज, कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल, कोई ऐसा इंसान जिसको आप प्लीज नहीं कर सकते, जिसको आप खुश नहीं कर सकते. सो इम्पॉसिबल टू प्लीज इज इम्प्लैकेबल, इम्पॉसिबल टू प्लीज, इम्प्लैकेबल. साउंड्स लाइक इम्प्लीजेबल, इम्प्लीजेबल समवन हु कैन नॉट बी प्लीज. तो जो थोड़े अड़ियल होते हैं, जिनको हम खुश नहीं कर सकते, दैट इज इम्प्लैकेबल. वी बोथ आर इम्प्लैकेबली अपोज्ड टू एनी फॉर्म ऑफ हंटिंग. हम दोनों क्या है, इम्प्लैकेबली अड़ियल तरीके से ऑपोजिशन में है किस चीज के, हंटिंग के, जानवर के, शिकार के. यस. अच्छा, कैन यू रिकॉग्नाइज समबडी हियर? क्या अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी फ्रेंडली फेस, वेरी पॉपुलर फेस, तो क्या आप मानेंगे कि ये सच में कोई बहुत पॉपुलर फेस है? दिस इज एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर फेस, बट ये क्या है, मास्क में है. ये पॉपुलर फेस कैसे है, मास्क में है, और इसलिए आप इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो मास्केरेड, मास्केरेड इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट हाइड्स द ट्रूथ और समबडीज ट्रू फीलिंग. एक तरीके से आप जब अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज मास्केरेड. सो मास्किंग आउट योर फीलिंग्स. द सिनोनिमस वर्ड इज प्रिटेंस, डिसगाइज, डिसेप्शन एंड मास्क. ठीक है, द सेंटेंस इज व्हेन शी अग्रीज टू एकम्पनी हिम टू मास्केरेड, does she know who exactly she is dancing with? Ya fir he told a news conference that the elections would be a masquerade, a party or a dance where people wear masks. Jo election hai ye kya hone wala hai, masquerade, yani ki koi apna reality election mein nahi dikhane wala hai, sab buddhu banane wale hain. Hai na, aapke state mein hai kya abhi election, aapke state mein hai election. अच्छा, idioms करेंगे, one word करेंगे, उसके बाद देखेंगे the highlights of today, yesterday's session. Yesterday's session में मैंने comments पढ़े, very interesting comments. फिर हम करेंगे know your English. So this is the first question. The timer starts now. जल्दी से solve करिए. अगले साल है. Which state is that? आंध्र प्रदेश में है इलेक्शंस. ठीक है, द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस. बोर द पाम, बोरिंग द पाम, व्हाट इज द मीनिंग हियर ऑफ बोरिंग द पाम, किसी को पता है? इसका मतलब होता है बीइंग विक्टोरियस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, बीइंग विक्टोरियस, द होस्ट टीम वॉज विक्टोरियस. वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स, वाइड बर्थ. द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. गिव अ वाइड बर्थ का मीनिंग क्या होगा, बहुत बड़ी जगह दे दो. तो अगर हम किसी को बहुत सारी जगह दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वी आर कीपिंग दिस पर्सन अवे फ्रॉम, इस पर्सन को हम दूर रख रहे हैं. ठीक है,
Question number third, the timer starts now. The project is carried over to this year and we need to keep the ball rolling. Keep the ball rolling. Keeping the ball rolling का मतलब होता है to continue this work. जब हम ये काम continue करेंगे, that is continuing the work is keeping the ball rolling. Question number fourth, the timer starts now. At a party, he is always in high spirits. What is the meaning of high spirits? High spirits का मीनिंग क्या है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, टॉकेटिव, ड्रंक और चेयरफुल, अनकंट्रोलेबल, चेयरफुल. यस, इट इज चेयरफुल, चेयरफुल. हाँ जी, देर इज नो, चलो जल्दी से करो ये, मैं टाइमर लगाती हूँ. There is no point in discussing the new project with him as he always pours cold water on any new thought. Pouring cold water on a new thought. कोई भी नई चीज पे क्या करता है? पानी फेर देता है. So what is the meaning of it is disapproves of. उसको क्या करता है? Disapprove कर देते हैं. Postpone का मतलब होता है बाद में करना. Disapprove यानी पानी फेर देना, खत्म कर देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. रैंक एंड फाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक एंड फाइल? क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल्दी से बताइए. The meaning is the ordinary members. Rank and file का मतलब होता है ordinary members. There was opposition to the new policy by the rank and file. यानी कि ordinary members से opposition था. आगे देखते हैं हम question number seventh. The timer starts now. Let her hair down. Let your hair down. When do you really let your hair down? Is when you are enjoying. When you are enjoying. जब आप enjoy कर रहे हो. Seventh A is the correct answer. Yes, आगे देखते हैं. Question number eight. The timer starts now. If you rub in the wrong way, का मीनिंग क्या है? It is to annoy him. When you are annoying him, rubbing him the wrong way का मतलब होता है गलत तरीके से उसको परेशान कर रहे हो. You are annoying the other person. Question number ninth, the timer starts now. The hero of Naipaul's novel A House for Biswas, like modern young man, wishes to paddle his own canoe. यानी कि ये चाहते हैं कि canoe यानी आप बोट समझ सकते हैं. तो ये चाहते हैं कि ये अपनी बोट जो है खुद ही चलाए, अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद ही चलाए. So depend on himself. He wants to depend on himself. ठीक है, question number 10th देखेंगे. The timer starts now.
ही कट द गॉर्डियन नॉट, उन्होंने क्या किया, गॉर्डियन नॉट को कट किया बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच्ड, उन्होंने जो वो बोलते थे उसको उन्होंने करके दिखाया. सो ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, सो दैट इज लेटिंग रिमूव्ड द डिफिकल्टी. कट द गॉर्डियन नॉट यानी कि रिमूव द डिफिकल्टी, प्रीच यानी भाषण देना, प्रीचिंग इज भाषण देना, जो सिखाते हैं दैट इज प्रीचिंग. 11th, जल्दी से सॉल्व करेंगे, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. Our school is within a stone's throw. A stone's throw of the railway station, yani kafi pass mein, at a short distance is the correct answer. Chalo, ab hum karenge one word substitution, uske baad hum karenge know your English section. To yaad rakhiye, abhi hamara आधा एडिटोरियल से ज्यादा बचा हुआ है. वी हैव टू डू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन वी विल डू नो योर इंग्लिश एंड वी विल कंटिन्यू ऑल दीज थिंग्स. याद रखिएगा ये चीज, जल्दी से शेयर कर देंगे सेशन को. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आज का. ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है और आपको समझना है कि ये वर्ड का मीनिंग सही है या नहीं, यूजेज में कौन से सेंटेंस में ये वर्ड का मीनिंग सही दिया हुआ है, इज योर जॉब फॉर टुडे. तो एक्विसियंस इज द वर्ड, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. वेरी इजी, मैं आपको बता रही हूँ. देखो एक्विसिएंस का मतलब पहले मतलब समझते हैं, तभी हम मीनिंग के बाद ही हम इसका यूजेज समझ पाएंगे. तो एक्विसिएंस का मतलब होता है कि आप जब आप कन्फर्मिस्ट हो. देखो एक वर्ड है अच्छा सा, आज मैंने पेड में पढ़ाया था, कन्फर्मिस्ट. कन्फर्मिस्ट यानी जो सारे रूल्स को एक्सेप्ट कर ले. तो वैसे ही जब आप कन्फर्मिस्ट हो तो आपके अंदर क्वालिटी होगी ऑफ एक्विसिएंस. That means you are going to accept all the rules that have been given to you. आपसे जो भी बोला जाएगा आप वो काम करोगे. So he ought to acquiesce using at the same time the utmost powers of his reason to promote its repeal. If we do not take a stand, we will acquiesce to our positioning as mere spectators of the construction of our society. Take off was acquiesce for annual around 90 minutes while engineers carried out safety checks and tested brakes. Second वाला जो है कि हम सिर्फ बैठे बैठे देखते रहेंगे और हम accept कर लेंगे अगर हमने अपनी society में हो रहे construction के against आवाज नहीं उठाई तो second हमारा correct है. ये सबको समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया है second correct है तो second कहाँ कहाँ पे है, बाकी सब eliminate कर देते हैं. तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. और क्या एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा. बी एंड डी, बोथ ऑफ दीज विल बी एलिमिनेटेड. बचा वन एंड टू. वन में बोल रहा है ही ऑट टू एक्विसीज, इनका जो पावर था, इनकी जो पहचान है, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स. Using at the same time the utmost powers of his reason to promote its repeal. उनका reason था to promote something. So A, 1 and 2, both of them are correct. So option number A is the correct answer. Question 2 solve करेंगे. Brusque is the word. याद रखेंगे, brusque is the word. B-R-U-S-Q-U-E. जल्दी से solve करने की कोशिश करेंगे.
ओके तो ब्रूस्क का मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूस्क? ब्रूस्क का मतलब होता है कि जब आप कम बोले पर आप बहुत अच्छा बोले. When you are say speak when you speak less but you speak solid, that is called as brusque. हाँ जी. Short or abrupt, छोटा, कम, brief, articulate, अच्छे positive word है. Brusque is a very positive word. इसको आप articulate के साथ learn कर सकते हैं. जैसे articulate का मतलब होता है कम बोलना पर to the point और अच्छा बोलना, वैसे ही brusque is also that. तो द आंसर, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर बी. तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ वन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. जहां वो बता रहे हैं कि मिस्टर रॉचेस्टर जो थे वो प्रिंसली थे, वो ऐसे थे वैसे थे, उनके अंदर ब्रुस्कनेस की क्वालिटी थी, दैट मीन्स वो कम बोलेंगे. बट स्टिल दिस पर्टिकुलर गर्ल शी फेल्ट, जेन फेल्ट कंफर्टेबल विद दिस मैन. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कजोल. ये तो याद होना चाहिए, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. देखो कजोल का मतलब होता है सपोर्ट करना. जैसे करण जोहर कजोल स्टार किड्स, मतलब करण जोहर सपोर्ट करता है स्टार किड्स को. या फिर करण जोहर कजोल काजोल, करण जोहर सपोर्ट करता है किसको? काजोल को. तो कजोल का मतलब होता है सपोर्ट करना. एज गॉर्मी ऑफ वर्ल्ड एक्नोलॉजिस चाइनीज फूड वाइज विद दैट ऑफ फ्रांस वर्ल्ड कजोल. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज ओनली सेकेंड. सिर्फ सेकेंड करेक्ट है. द थिएटर मैनेजर डज नॉट शाइड वॉर्न और कजोल अस इनटू गुड बिहेवियर. जो थिएटर के मैनेजर हैं ये हमें कभी भी हेल्प नहीं करते, ये ना ही सपोर्ट करते हैं किसी चीज के लिए. ये हमें आके नहीं बताएंगे कि तुम्हें ये करना है ये करना है. इट जस्ट हैज टू हैपन नेचुरली. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सर्कमस्पेक्ट. ये हमने इस वीक के स्टार्टिंग में किया था, मतलब मंडे को हमने ये किया है सर्कमस्पेक्ट, या फिर सैटरडे को किया है. तो आपको लर्न होना चाहिए सर्कम सर्कुलर स्पेक्ट चश्मा. ठीक है, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. सर्कमस्पेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है गोल गोल चश्मा, मतलब कि बार 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 उस चीज को अच्छे से सोचना, मतलब उसको स्क्रूटनाइज करना अच्छे से, उसको बहुत विजिलेंट रहना, दैट इज कॉल्ड एज सर्कमस्पेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्पेक्ट? इट इज ऑप्शन नंबर डी. डी हमारा करेक्ट आंसर है. बोथ वन एंड थ्री में करेक्ट तरीके से लिखा हुआ है. So investors are now much more circumspect and vigilant. Lest more wool is pulled over. So investor क्या हो गए हैं? Vigilant हो गए हैं. Third वाला sentence कह रहा है we have yet to pick our candidate, so I have to circumspect, but we certainly need a charismatic candidate. हमें हमारा candidate अभी तक के मिला नहीं है, पर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छे से scrutinize करना पड़ेगा कि कौन सा candidate सबसे अच्छा है. ठीक है, आगे देखते हैं. Trident. The timer starts now. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत स्ट्रिक्टली अपने ओपिनियन सबको बता दे, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी डेंट पड़ जाए उनके कैरेक्टर पे. स्ट्रिक्ट एंड डेंट टुगेदर फॉर्म्स स्ट्राइडेंट.
कि वो स्ट्रिक्टली अपने ओपिनियंस, अपनी इमोशंस आराम से बता दे और उसको कोई फर्क ना पड़े कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसके इमेज पे डेंट तो नहीं पड़ रहा है। डेंट यानी लगा हुआ, जैसे कार पे डेंट पड़ जाता है। सो दैट इज स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट इज समबडी हु इज वेरी ओपन इन शोइंग द इमोशंस। लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। इट इज ऑप्शन नंबर ए। A says only one. Prime Minister Narendra Modi hit out at West Bengal CM Mamata Banerjee over her strident opposition to the amendment citizenship law and proposed nationwide NRC. ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ही took a jibe over Mamata Banerjee. क्यों? क्योंकि उन्होंने strident तरीके से, बहुत ही open तरीके से NRC का क्या किया, opposition oppose किया उसको। ओके, डिफरेंशियल, द टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये तो इजी होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल? तो डिफरेंशियल का मीनिंग क्या होता है? The term differential means showing courteous regards for people's feelings. Courteous होना, दूसरों की feelings को भी समझना, that is called as differential या फिर empathetic. तो 6 का answer है A, which is only one. Women normally adopt a differential attitude towards men, specially to their husbands and fathers-in-law. ये क्या करते हैं? Empathetic रहते हैं. They understand their husbands and father-in-law. ओके, अच्छा, तो yesterday I had shown you two comments. There was one comment by Lavanya and there was another comment जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे from my previous session. But today I'm going to show you a few comments जो which are out of the place. सबसे पहले मतलब मुझे they were mind boggling, they were really good. तो सबसे पहले देयर वाज दिस कमेंट व्हिच सेज, वेयर वाज आई बिफोर अटेंडिंग द क्लास, आई वाज नॉट गुड एट लर्निंग वोकैबुलरी बट आई थिंक यू आर द परफेक्ट टीचर फॉर माय स्टडीज बिकॉज आफ्टर अटेंडिंग द क्लास आई लर्नड मच मोर वर्ड्स. तो दिस थैंक यू सो मच देव एंड आई होप यू कम टू दिस क्लास रेगुलरली और आप ऐसे ही खूब सारी वोकैबुलरी सेशंस करो. अगर आप में से किसी और को इंटरेस्ट है कि मैं वोकैबुलरी के और भी ऐसे कोई सेशन लेके आऊं या एक मंथली रिविजन सीरीज चालू करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपसे जरूर कनेक्ट करूंगी. द नेक्स्ट इज बाय नीति गोयल विच सेज, किंजल मैम, आई वॉच्ड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, सिंस देन आई एम वॉचिंग योर लेक्चर्स रेगुलरली. आई कैन डेफिनेटली से यू आर वर्किंग सो हार्ड एंड सीरियसली. अच्छा, ठीक है. तो दिस गर्ल, थैंक यू सो मच. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज यानी आप अभी जुड़े हैं मुझसे. So I hope that you remain in my family for a very long time. There is a Telegram group by my name also. आप वहाँ पे भी join कर लीजिएगा. And and there was one more comment जिसमें उस बच्चे ने actually हमारे कल Know Your English session को use किया था. तो यहाँ पे लिखा है I am parking this comment here. कल हमने Know Your English में एक word पढ़ा था parking. और वहां पे लिखा था कि पार्क्ड का मतलब, आज तक के हमें ये पता है कि गाड़ी को कहीं पार्क करना, बट पार्क का मतलब ये भी हो सकता है कि आई एम पार्किंग माई थिंग हियर. मतलब ये शायद मैं बाद में हटा दूं, बट ये अभी के लिए यहाँ पे है टेम्पररली. तो यहाँ पे काफी अच्छे से लिखा गया है आई एम पार्किंग माई कॉमेंट हियर, यानी मैं बाद में हटा दूंगा. चलो तो आगे बढ़ते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर डूइंग दिस एंड आप आज भी जरूर करिएगा. Please write your thoughts here and I'll share it here on the screen. And it makes me very happy to know there are students like this who appreciate the hard work. Now we will be doing our Know Your English section. ठीक है, तो Know Your English करते हैं. अच्छा, ये ना editorial भी बहुत अच्छा आया है, पता है? एडिटोरियल भी बहुत अच्छा आया है आज का. इट वॉज सो गुड. आज का पेपर बहुत अच्छा था.
this is the section that we have recently added. It had been a month, I guess, कि हम know your English करना चालू किए हैं हमने. ठीक है, तो ये आज का हमारा सेक्शन है know your English. तो मिस्टर एस ए भटनागर फ्रॉम न्यू दिल्ली वांट्स टू नो द मीनिंग ऑफ हाउ टू यूज द वर्ड इनवेटरेट. देखो मैं एक बात बताऊं इस वर्ड के बारे में, आप SBI PO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लो. मैं गारंटी ले रही हूँ यू विल सी दिस वर्ड एटलीस्ट थ्राइस और फोर टाइम्स. इनवेटरेट SBI वालों का फेवरेट वर्ड है, वो हर कुछ सालों में दे देते हैं. तो आप जल्दी से ये इनवेटरेट के बारे में जो भी लिखा है जल्दी से पढ़िए एंड देन वी विल सी व्हाट इज हियर. ये यहाँ इनवेटरेट से लेके गैम्बलर तक के पढ़िए. देखो क्या बोल रहा है, इनवेटरेट यानी जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है. इसको आप लर्न कैसे करोगे, जैसे वेटरन, वेटरन का मतलब होता है बहुत पुराने एक्टर्स, बहुत पुराने एक्ट्रेसेस को कहते हैं वेटरन एक्टर, वेटरन एक्ट्रेसेस, जो ईस्टर ईयर के होंगे, जो अब काम भी नहीं करते, बहुत पुराने हो गए. तो इनवेटरेट जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जैसे इनवेटरेट लायर, मतलब जो हमेशा से झूठ बोल रहा है. एक ऐसा इंसान जिसको आप सुबह फोन करोगे, दिस पर्सन माइट बी स्लीपिंग, और ये कहेंगे कि अरे नहीं मैं तो सुबह 5 बजे उठ गया था, आपको आवाज से समझ में आ रहा है कि ये सो रहे हैं, बट ये आपसे झूठ कहेंगे. दैट मींस नो मैटर व्हाट हैपेंस दिस पर्सन विल ऑलवेज लाई. जहां पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे भी झूठ बोलेंगे. सो दैट इज इनवेटरेट लायर, है ना. या फिर इनवेटरेट ड्रिंकर, यानी जब मर्जी हो तब उन्हें कुछ ना कुछ पीना होता है. इनवेटरेट गैम्बलर, यानी ताश पत्ते जुए खेलना. जल्दी से लर्न करिए द वर्ड से लेके ये फिलैंथ्रोपिस्ट तक के. ओके, ये आया कहाँ से है? कोनोटेशन, यानी कि कोनोटेशन का मतलब होता है जो किसी चीज के साथ अटैच्ड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल इमोशन है. किसी भी वर्ड के साथ अटैच्ड पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल है, दैट इज कॉल्ड एज कोनोटेशन. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से. ये वर्ड आया है वीटस नाम के एक लैटिन रूट वर्ड से जिसका मीनिंग होता है ओल्ड, है ना. Inveterate liar is from way back. The word has a bad connotation. Inveterate liar यानी बुरा connotation है. It is always goes with something that is bad or harmful. ये हमेशा किसी ऐसे चीज के साथ जाता है जिसका meaning होता है bad या फिर harmful. You should not say, for example, he is an inveterate philanthropist. Philanthropist यानी जो human को love करे और mankind के लिए काम करे. तो इनवेटरेट आप कभी भी किसी पॉजिटिव चीज के साथ नहीं लगा सकते, आप हमेशा नेगेटिव वर्ड के साथ वर्ड लगाओगे इनवेटरेट. ठीक है, ये लैंग्वेज चेंजेस तक के पढ़ लीजिए. ये बोल रहे हैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते ऑथर के पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लेटर्स जाते हैं
जो उन्हें बोलते हैं कि आपने रेनन मार्टिन का रूल नहीं फॉलो किया, आपने नेसफील्ड का रूल नहीं फॉलो किया, ये सब पुराने लोग हैं जो सिंटेक्स और ग्रामर देखते थे। तो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में द लैंग्वेज हैज चेंज्ड अ लॉट, जो लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ये धीरे धीरे चेंज हो रही है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अप टू डेट रहें और पुराने लोगों के हिसाब से ना चले। इन दिस कॉलम आई हैव ट्राइड टू पुट आउट सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द यूज ऑफ लैंग्वेज। We must remember that what is most important is usage and not mere grammar. जब हम कोई लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है। सिर्फ ग्रामर्स के रूल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, हमें इसका यूजेज पता होना चाहिए। That is the reason I added sentences in my editorial analysis, जहाँ पे मैं वर्ड्स के साथ sentences भी देती हूँ। What is strictly grammatical may not always be acceptable. जैसे it's, I is grammatical, but ungrammatical it's, me is sanctioned by the current usage. जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा who is she Kinjal, तो अगर मैं फोन उठाऊंगी तो मैं बोलूंगी it is I. But it is I जो है ये grammatically correct है, but ये actually मैं जो आज की दुनिया में लोग बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इट इज मी। अगर मुझसे कोई पूछेगा इज शी किंजल तो मैं कहूंगी इट इज मी, बट ग्रामेटिकली क्या करेक्ट है, इट इज आई, है ना। जैसे विंस्टन चर्चिल बिगेन अ रेडियो ब्रॉडकास्ट विद द सेंटेंस दिस इज मी विंस्टन चर्चिल, यू विल साउंड पेडेंटिक इफ यू से इट्स आई। There was a time when consider was considered wrong. For example, a sentence like I consider him as a fool was considered wrong for a very long time. I consider him a fool was considered correct, but now I consider him as a fool is acceptable. देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने अपनी बहुत ही पॉपुलर रेडियो जो स्पीच थी वो उन्होंने चालू करी थी कि इट इज मी विंस्टन चर्चिल, तो ये ग्रामेटिकली तो गलत है, पर जब आप ऐसे बोलते हो इट इज आई तो ऐसा लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हो, आप सामने वाले को बी लिटिल कर रहे हो, और इसीलिए शायद विंस्टन चर्चिल ने अपनी स्पीच में कहा इट इज मी विंस्टन चर्चिल। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक के ये भी इनकरेक्ट था कि आई कंसीडर हिम एज अ फूल, एज नहीं लगा सकते थे, आप बोल सकते थे आई कंसीडर हिम अ फूल, एज लगाना गलत था, बट आज की डेट में दैट इज सो नॉट ट्रू, आई कंसीडर हिम एज अ फूल आज की डेट में जो है करेक्ट है। सो वी मस्ट पे अटेंशन टू करेंट यूजेज, ओल्ड ग्रामर बुक्स टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एट द टाइम दे वर रिटन, बट देयर स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉर ऑल टाइम, दे हैव अ हिस्टोरिकल वैल्यू बट दे आर नॉट गुड गाइड्स टू मॉडर्न यूजेज। अगर आपको आज की दुनिया के साथ आगे बढ़ना है तो आपको मॉडर्न यूजेज भी आना चाहिए। द फॉलोइंग इज टेकन फ्रॉम हंसर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड विच सेज माय लॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन मे एंड शेल इज वन ऑफ द बग बियरर्स। अब देखो ये मे और शेल के बीच में डिफरेंस बताएंगे, अगर आपको भी नहीं पता मे और शेल के बीच का डिफरेंस तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये माय लॉर्ड्स से पढ़ना चालू करिए, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं माय लॉर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन मे एंड शेल इज द बग बियरर। मतलब ये इतना टाइम हो चुका है और हम ये सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं मे और शेल का डिफरेंस, मे और शेल के लिए पार्लियामेंट में भी जो है प्रॉब्लम हो चुका है। आई थिंक वी नीड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व दिस डिफिकल्टी, टू डिक्लेयर वंस एंड फॉर ऑल दैट मे मीन्स शेल। एनी वे इन दिस केस मे हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू शेल, of course we know that it meant shell all the time, but I need to pursue it any further. ye kya bol rahe hai ki jo may hai usi ka naya naam tha shell, there was no difference at all, pehle may aur shell mein koi bhi difference nahi tha, but what happened
My lords, I should like to say this to the noble lord. If the word shall is used, the judges will interpret it as may. If the word may is used, the judge will interpret as it as shall. तो इन्होंने क्या बोला लास्ट में कि अगर आपको कभी शैल वर्ड आता है यूज में, तो आप जब उसको समझेंगे, आप अपने दिमाग में रजिस्टर करेंगे, तो आपको समझना है मे, और अगर कभी मे आता है तो आप उसको शैल के तरीके से भी समझ सकते हैं. ओके, तो आज का नो योर इंग्लिश बहुत अलग तरीके से लिखा गया था, नॉट द जनरल वे. आज का वर्ड ऑफ द डे है परपट. परपट का मतलब होता है द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन, द प्रिवेडिंग मीनिंग और टेनर, हैव द ऑफन स्पेशियस अपीयरेंस ऑफ बीइंग इंटेंडिंग और क्लेमिंग प्रपोज और इंटेंट. जब आप किसी चीज को इंटेंट करते हो, स्पिरिट रखते हो, या फिर प्रपोज करते हो, कोई आइडिया रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज परपटिंग. आपके अंदर का इंटेंट इज कॉल्ड एज परपटिंग. आपका पर्पस, आप जो करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज परपट. अरे दोनों सही है, वही तो था मीनिंग, वही था उसका कि दोनों सही है. मैं आज के डेट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप थोड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि आज का हमारा नो योर इंग्लिश बहुत वियर्ड और अलग सा था. आई एम एक्सपेक्टिंग गुड कमेंट्स टुडे. ठीक है, ये ट्रू कलर्स करके एक आर्टिकल आया है कि ऑस्कर में हमारे साथ जो हुआ. अच्छा देखो, ऑस्कर में गुनीत मोंगा जो है ना, उनको जो मिला, मैंने गुनीत मोंगा का एक बहुत ज्यादा पहले एक इंटरव्यू देखा था, बाय द नेम ऑफ सन ऑफ अबीश में वो आई थी बहुत पहले. तो वहां पे उन्होंने बताया था कि उनका लाइफ में, उन्होंने एग्जांपल दिया था अपनी पूरी लाइफ का, शी इज नोबडी इन बॉलीवुड, मतलब शी इज नोबडी इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री. उनका, उनके पहचान का दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री में हो. बट ये जो बंदी थी गुनीत मोंगा, उनका मैंने वो जो इंटरव्यू देखा था आज से 3 साल पहले आई है सन ऑफ अबीश में, उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट शी डज इज कि अगर उन्हें कोई काम करना है ना, तो शी कनेक्ट्स टू द पर्सन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ दैट वर्क, और फिर वो वहां से स्टार्ट करती है और काम करती है. मतलब वो ऑलरेडी बंदी बिलीव करती है दैट वॉट शी इज गोइंग टू डू इज गोइंग टू गेट हर ऑस्कर. तो इट वॉज वेरी नाइस टू एक्चुअली सी हर विनिंग दैट, एंड शी वोर अ सारी विच वॉज वेरी नाइस फॉर मी. हेलो मैम, हाउ आर यू? अमन सिंह, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? इंडिया वोक अप एट डॉन ऑन मंडे टू वॉच द 95th अकेडमी अवार्ड्स हेल्ड एट डॉल्बी थिएटर LA एंड चीयर द 2 wins. डायरेक्टर कार्तिकी गोंसाल्वेस इन द तमिल डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स became the first ever Indian production to win the Oscar for best documentary shot. ये बोल रहे हैं कि इंडिया 95th ये जो एकेडमी अवार्ड हुए उसमें इंडिया वोक अप टू द आइडिया कि हमें क्या मिला, ऑस्कर मिला फॉर द एलिफेंट विस्परर्स, जो पहला इंडिया का अवार्ड है जिसका प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ है. डायरेक्टर SS राजामौली एंड इट्स तेलुगु फिल्म, राजामौली's तेलुगु फिल्म RRR became the first Indian feature production to win Oscar when its catchy Natu Natu won for the best original song music composer by M.M. Keeravani and lyricist Chandra Bose. तो ये Natu Natu के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने भी जीता प्राइज amid मतलब इन सब के बीच में, amid this cheer, however, director Shaunak Sen's All That Breeds lost the best documentary feature to director Daniel Rose Nalvani. RRR's win is significant in the context of India's last win at the Oscars in 2009 from the British production Slumdog Millionaire. Best original song and score for music composer A.R. Rahman and lyricist Gulzar Jai Ho, and Rizal Pukuti for best sound mixing. While this Danny Boyle film can be described as a Western world's interpretation of Indian cinema song, dance and mainstream masala, RRR is an Indian mainstream production that is unapologetic, मतलब किसी से माफी नहीं मांग रहे, about its spectacle action pieces and dance numbers. ये क्या बोल रहे हैं कि आज से पहले जब 2009 में हमें मिला था ऑस्कर, तो जो प्रोडक्शन था,
जो डायरेक्शन था और जो विजन था उस मूवी का, ये एक वेस्टर्न विजन ऑफ इंडियन कल्चर था। एक आदमी जो वेस्टर्न आदमी है वो इंडिया में आया और उसने एक मूवी बनाई और ये उसका विजन ऑफ इंडिया था। बट ऑन दी अदर हैंड RRR का ये जो सॉन्ग है या वो जो पूरी मूवी है, इट इज द इंडियन विजन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। द अवार्ड्स हैव अगेन ब्रॉट टू द फोर, ब्रॉट टू द फोर, याद रखिए हमने ईडियम पढ़ा है यानी सामने लेके आना, ब्रॉट टू फ्रंट द डिबेट वेदर द ऑस्कर्स आर टू वाइड, पर्टिकुलरली विद द नॉमिनेशन ऑफ एंड्रिया राइसबोर इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर टू लिजल, वाइडली वाइडली क्रिटिसाइज फॉर स्नबिंग पोटेंशियल नेम्स सच एज वायला डेविस फॉर द वुमेन किंग एंड डेनियल डेडलॉयर फॉर टिल, एंड फोर्सिंग द एकेडमी टू प्रोब, प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेट करना है वेदर शी हैड सिक्योर्ड द नॉट ड्यू टू एग्रेसिव कैंपेनिंग फ्रॉम हर हॉलीवुड पीयर्स। ये बोल रहे हैं कि एक एक थोड़ी सी डिबेट ये भी है कि क्या ऑस्कर सच में इट इज टू वाइट, दैट मीन्स डू दे अप्रिशिएट, डू दे नॉट अप्रिशिएट पीपल ऑफ कलर, क्योंकि जो बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन थे या जिन्होंने जीता दे ऑल आर वेरी वाइट एंड एज कम्पेयर टू देम देर अदर पीपल जो ज्यादा अच्छा मे बी डिजर्व करते थे। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी यानी सब साथ में लेके चलेंगे, केम इन द फॉर्म ऑफ एवरी थिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द स्टोरी ऑफ एन इमिग्रेंट चाइनीज फैमिली सिक्योरिंग 11 नॉमिनेशन एंड विनिंग 7 अवार्ड, इट्स टॉप प्राइजेस इंक्लूडेड बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर वियतनामिस अमेरिकन के हुई कुन इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, its lead actor Michelle Yeoh became the first Asian woman to receive a nomination and win in the best actress category. although jo inclusivity hai wo sabse zyada tab aayi jab ek ek again ek Asian movie ko nomination aur winning mila, which is everything everywhere all at once, which is a story of an immigrant Chinese family jo America jati hai, उनको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऐसे सारे नॉमिनेशंस और प्राइजेस भी मिले हैं। इट इज आल्सो द फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस विन फॉर अ नॉन वाइट एक्ट्रेस इन 20 इयर्स, सोचो पिछले 20 साल तक के सिर्फ वाइट लोगों को ये प्राइज मिल रहा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे गेव द बेस्ट एक्ट्रेस प्राइज टू अ एशियन वुमेन। Cheers greeted the 60-year-old when she urged women not to let anyone ever tell them that they are past their prime. Oh my God, that's very good. So, इनको जब ये मिला prize, तो she is 60-year-old. The actress is 60-year-old. और इनको जब ये prize मिला, तो उन्होंने अपने speech में कहा कि this goes to every woman. जो ना आज से आप कोई ये नहीं सुनोगे कि यू आर पास्ट योर प्राइम, यानी आपके जो प्राइम इयर्स, जो आपके पीक इयर्स होते हैं करियर के, ये जा चुके हैं, ऐसा आप कभी नहीं सोचोगे, बिकॉज दिस वुमेन एट 16 एन एशियन वुमेन इज गेटिंग एन ऑस्कर। द अदर नॉन वाइट फिल्म टू मेक इट्स प्रेजेंट फेल्स थ्रू नॉमिनेशन एंड इट्स विन इज बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, इन द इयर्स अहेड दीज मल्टीकल्चरल विंस should pave the way for more artists to take the global stage. एक और जो नॉन वाइट विन था वो था फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम बाय फॉर वकांडा फॉर एवर, और हाँ इसके थ्रू ये जो इतने सारे 11 नॉमिनेशन चाइनीज मूवी, ये एशियन मूवी नाटू नाटू, फिर द एलिफेंट विस्परर और वकांडा फॉर एवर के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, तो ये जो नॉन वाइट कैटेगरीज हैं और जो इनमें विन हैं, दे माइट पेव द वे, यानी एक पाथ बनाएंगे कि फ्यूचर में और भी नॉन वाइट लोग ऑस्कर का हिस्सा बन सके। ओके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी मैं बता देती हूँ कि देर इज अ गोल्ड टेस्ट पैक गोइंग ऑन राइट नाउ। गोल्ड टेस्ट पैक मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू नीड टू ग्रैब। गोल्ड टेस्ट पैक होता है देर में, जहाँ पे इन 499 रुपीज यू विल गेट ऑल द टेस्ट सीरीज,
मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने पॉसिबल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इससे बहुत बड़ा एक फायदा होता है दैट यू एंड अप गेटिंग मोर। हाउ डू यू एंड अप गेटिंग मोर? इससे ये फायदा होता है कि जैसे आप मान लीजिए अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बट 6 months डाउन द लाइन आपको लगता है कि यू माइट वॉन्ट टू स्विच टू SSC, और आप या फिर पार्ट टाइम BEd कर रहे हैं, यू वॉन्ट टू स्विच टू टीचिंग एग्जाम्स, यू वॉन्ट टू स्विच टू डिफेंस, यू वॉन्ट टू स्विच टू योर स्टेट PSC। तो इन सभी के ही टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इवन स्टेट के लोकल एग्जाम्स जैसे MP में व्यापम होता है, तो ये सारे लोकल एग्जाम्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और अगर मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। तो ये जभी भी आता है ना, ये जभी भी आता है, मेक श्योर दैट यू रजिस्टर हियर। आप ये टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करें। जब आप ये टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करते हैं तो इससे आपका ये फायदा होता है कि आप इस टेस्ट सीरीज को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम का बेसिकली मतलब होता है कि अराउंड एट इयर्स की शायद इसमें एक वैलिडिटी रहती है, या 8 साल तक के आपके पास रहेगा। तो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर हियर। जब आप इसमें रजिस्टर करें गोल्ड टेस्ट पैक सीरीज में, तो Y659S आप यूज करेंगे और आपको गोल्ड टेस्ट पैक नहीं, बैंक महापैक प्लस में नहीं है बेटा, ये अलग से है, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ। सोचो 8 साल, 8 इयर्स, मुझे लगता है 3 साल से ज्यादा कोई बच्चा प्रिपेयर नहीं करता है, एंड दे गिव यू 6 to 8 इयर्स टाइम लाइक दैट। तो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी बेसिकली मानते हैं इसको। तो 659S आप यूज करेंगे, Y659S। इफ यू वॉन्ट आई कैन शो इट टू यू, मैं आपको दिखाऊं क्या? बट हाँ, ये गोल्ड टेस्ट पैक ना ये खत्म हो जाएगा, तो आप हो सके तो कल शाम तक के जरूर रजिस्टर करिए, ठीक है? तो गोल्ड टेस्ट पैक सीरीज में जरूर रजिस्टर करना है। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज Y659S। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है तो बता दो यार, कोई भी डाउट है तो बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। या फिर आज माइक में इशू है या फिर शैडो वैडो में इशू है तो भी बता देना। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स, योर ब्यूटिफुल कॉमेंट्स, दे एनकरेज मी अलॉट, और हम देखते हैं किसका अच्छा कॉमेंट होगा। आई विल गेट इट फीचर टुमारो इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव, कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। ओके, कल सुबह मिलेंगे 11 बजे। बाय एंड टेक केयर।